और अब खबरें विस्तार से। चैती छठ के मौके पर हजारों की तादाद में छठ व्रत धारियों ने अस्ताचलगामी और दूसरे दिन उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। इसके साथ ही पवित्र त्यौहार चैती छठ का समापन हुआ। ये कदमा स्थित उलियान का नील सरोवर छठ घाट है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी चैती छठ का यहाँ आयोजन किया गया है। कदमा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में रहने वाले श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और नील सरोवर छठ घाट पूजा समिति की ओर से सभी श्रद्धालुओं के लिए पूजा सामग्री निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। कुछ मान्यता है इसमें मान्यता का वही मतलब दोनों छठ है कि इस ये दिनांक 23 मार्च को मिलत नगर के रहने वाले अनवर हुसैन हत्याकांड में पुलिस ने मोहम्मद सऊद खान को गिरफ्तार किया है। संवाददाता सम्मेलन में डीएसपी बीएन सिंह ने बताया कि सऊद खान ने स्वीकारोक्ति बयान में कहा कि पूर्व की दुश्मनी के कारण एक लंबे अरसे से वो हत्या करना चाह रहा था और दिनांक 23/3/15 को जो है जुगसलाई थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है क्योंकि अनवर हुसैन उर्फ रिंग जो टेम्पो ड्राइवर था उसकी जो हत्या करके जो है उसकी बॉडी बरामद हुई। उसके परिजनों द्वारा जो है प्राथमिकी थाना में दर्ज कराई गई और इस संबंध में जो है जुगसलाई थाना में एक हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई और अनुसंधान के क्रम में जो है और इस कांड का जो है उद्भेदन किया गया है। इस कांड में संलिप्त सऊद खान शिवघाट रोड जुगसलाई के जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने अपने कांड में संलिप्तता को स्वीकार किए और बताया कि घटना की रात्रि 21 तारीख को जो है ये मृतक के साथ जो है नशा का सेवन कर रहे थे। इसी क्रम में जो है सामने में पड़ा हुआ दो बोल्डर जो है उठा के जो है मृतक के सर पर मार के उसकी हत्या कर दी।
राजकोम चिटफंड घोटाला के आरोपी गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुरुवार को घोटाले के भुक्तभोगियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। चिटफंड घोटाले के भुक्तभोगियों ने राजकोम निवेशक संघ का गठन कर लिया है। गुरुवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर उन्होंने एक दिवसीय धरना दिया। वे हाथों में बैनर पोस्टर थामे थे जिसमें राजकोम चिटफंड के संचालक को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग लिखा है। 1800 करोड़ एक बहुत बड़ा पैसा होता है और एकदम यहाँ पे मजदूर रिटायरमेंट गरीब लोग का जो है ये पैसा है और इतनी लंबी समय उसका गिरफ्तारी नहीं होना ये दुर्भाग्य की बात है। और वही चीज़ के लिए हम SSP साहब से भी बात किए थे, अभी उपायुक्त महोदय से भी बात की थी। गरीब का पैसा लगा है, चलिए गलती हो सही हो, ये लोग लगा है, लेकिन जो जान के गलती किया उसका क्या पनिशमेंट, वो तो जानबूझ के ठगने का काम किया। ठीक है, गरीब गुरबा थोड़ा सा लोग लालच दिया या कुछ किया, गलत फहमी से लोग कर लिया, लेकिन जो जान के करवाया या किया उसका ऊपर अभी तो कुछ हुआ नहीं। इसीलिए हम लोग इसको अविलंब गिरफ्तारी का मांग कर रहे हैं ताकि अगर अभी कुछ गिरफ्तार हो जाए तो कुछ रिकवरी हो जाए। अभी कितना दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं आंदोलन का आप लोग? अल्टीमेट क्या, अभी तो फेज वाइज चलता रहेगा जब तक इसका निष्कर्ष नहीं निकल। ज्वारा पूजा में भक्तों को नदी घाटों में परेशानी न हो इसके लिए छत्तीसगढ़ी युवा मंच द्वारा कपाली घाट की साफ सफाई अभियान चलाया गया। छत्तीसगढ़ी युवा मंच के सदस्यों ने ज्वारा पूजा के मद्देनजर गुरुवार को कपाली घाट में साफ सफाई अभियान चलाया। घाटों में काफी गंदगी, मलबा और जलकुंभियों को घंटों मेहनत कर संघ के सदस्यों ने काफी हद तक साफ कर दिया। ये अखिल भारतीय छत्तीसगढ़ी युवा मंच द्वारा हम लोग ये न्यू कपाली घाट में जो विसर्जन घाट है जहाँ काफ़ी गंदगी लगी हुई है, इतना गंदा गंदगी के भंडार लगा हुआ है कि बोलना ही मुश्किल है। आज प्रशासन इसमें नज़रअंदाज कर रहे हैं। आज यहाँ जलकुंभ नदी पर इतना जलकुंभी है जो नवमी को सुनारी के जितने भी नवरात्रि ज्वारा पूजा जिसको मैं लेटर दिए थे या प्रशासन को इसका सूचना दिए थे तो दिए हैं, अभी तक हुए नहीं है। और नवमी के दिन यहाँ सारा विसर्जन होते हैं ज्वारा पूजा और दशमी के दिन। कितने लोग लगे हुए हैं काम में? इसमें हम लोग 20-25 लोग लगे हुए हैं काम में और हम लोग जितने भी इस नदी तट है सभी को आज हम लोग पूरा सफाई करके जो हमारे विसर्जन करने के लिए हमारे माता लोग आते हैं, बहन लोग आते हैं जो नवरात्रि पूजा दुर्गा पूजा लेकर, उसमें आराम से यहाँ बैठ सके, स्वच्छ में बैठ सके, एकदम सफाई में आराम से बैठ सके शांति से। उपायुक्त के नेतृत्व में गुरुवार को रामनवमी के मद्देनजर जिला प्रशासन की टीम ने विभिन्न नदी घाटों का निरीक्षण किया। अरे मन मन उधर क्या हुआ, पता करो उधर किधर। जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज के गेट पर तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। पठन पाठन जारी रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात थे। जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज में पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सुमिता मुखर्जी की ससम्मान वापसी तथा डॉक्टर शुक्ला मोहंती पर निगरानी की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर रेडिकल यूथ एंड स्टूडेंट हेल्पलाइन के बैनर पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे अर्चना सिंह व अन्य तीसरे दिन भी कायम रहे। हालांकि उनके द्वारा कॉलेज में पठन पाठन बंद करवाने एवं प्राचार्य का कैबिन लॉक करने का प्रयास किया गया मगर वहां मौजूद पुलिस बल ने उन्हें रोका। कि हम लोग जा रहे हैं प्रिंसिपल चैम्बर में तालाबंदी करने, तो उनका कहना था कि आप लोग अनशन में हो तो अनशन में रहो, 5 बजे तक हम किसी का टाइम लिए हैं। हमने उनको बता दिया कि 5 बजे तक आपके आश्वासन से हम लोग चुपचाप बैठे हैं सत्याग्रह की तौर पे, 5 बजे बाद हम लोग उनका अनुरोध कॉलेज से लेकर सड़क तक करें। इसकी जिम्मेदारी जिला 5 बजे तक अगर आपकी मांगे नहीं पूरी हुई तो आगे क्या कीजिएगा? आगे हमारी बोले 5 बजे तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती तो सुबह जमशेदपुर शहर में जितने भी कॉलेज हैं सारे कॉलेज बंद करवाया जाएगा।
बिहार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों पर लाठी चार्ज के विरोध में गुरुवार को साक्षी गोल चक्कर में बिहार के सीएम नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया। आज बिहार के राजधानी पटना में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की टीम ने जब वहां बिहार विधानसभा का घेराव करने शैक्षणिक अराजकता के खिलाफ में बिहार विधानसभा का घेराव करने पहुंची थी, वहां प्रशासन के अधिकारियों द्वारा और प्रशासन के पुलिस के कर्मचारियों द्वारा जो बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई छात्रों पे, उसमें अनेक छात्र हमारे घायल हुए। इसको लेकर हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर रहे हैं, क्योंकि शैक्षणिक अराजकता एक बहुत ही गंभीर विषय है और विद्यार्थी परिषद हमेशा ही शिक्षा के माहौल के लिए और शिक्षा में सुधार के लिए लड़ाई लड़ती आ रही है और इसके खिलाफ इतनी क्रूरता से पेश आना किसी भी सरकार के द्वारा और किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे भी हमारी लड़ाई जारी।